नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खबरें जो वर्तमान दौर की सुर्खियां बनी हुई हैं। लेकिन वर्तमान समय में बात करते हैं राजनीति। मुंबई शक्ति की उपासना के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले त्योहार नवरात्रि आस्था और डांडिया के रंग में सराबोर है। शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की आराधना के साथ गली मोहल्लों के पंडालों में गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रंग बिरंगे परिधान में बच्चों से लेकर महिलाएं और युवा डांडिया के साथ थिरकते नजर आ रहे हैं। 3 अक्टूबर से शुरू हुआ नवरात्रि का पर्व आगामी 12 अक्टूबर तक चलेगा। इस अवसर पर सायन कोलीवाद्दा में आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन ने एंटॉप हिल के सेक्टर 6 में सीमेंट मैदान में नवरात्रि पर विशेष आयोजन किया है, जिसके तहत सायन कोलीवाद्दा की जनता इस बार भी शहर पूरी तरह उत्सव में डूबने को आतुर दिखाई देती है। 8 अक्टूबर को प्रसिद्ध लावधी डांसर गौतमी पाटिल ने अपनी टीम के साथ आकर अपनी प्रस्तुति पेश कर क्षमा बांध दिया। देर रात्रि तक जनता गौतमी पाटिल के नृत्य पर पंडाल में थिरकती रही। जनता का आशीर्वाद से यहाँ पर 2 बार मैं आमदार बना। महाराष्ट्र का विकास पुरुष देवेंद्र फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब, अजीत दादा पवार, ये तीनों जनता का सरकार का तरफ से लाली बेन योजना का माध्यम से मैं एक विषय 1 मिनट के लिए आपको लेता हूं। सब सरकार डिक्लेयर करता है, काम नहीं करता है, लेकिन ये सरकार, मैं असेंबली का अंदर है, आपका आशीर्वाद अंदर था। सरकार डिक्लेयर करके 1 महीने में सबका अकाउंट में बैंक में पैसा डाल के करके दिखाया है सरकार। किसी का 2 महीना, किसी का 3 महीना, किसी का 4 महीना। लाली बेन योजना पाकि हिंदुस्तान में सम्मानीय पंतप्रधान साहब भी 3 बार आपका आशीर्वाद से पंतप्रधान बन गया। साईं कोलीवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी 2 बार विधायक जीता, 3रा बार भी आपका आशीर्वाद से जीतेंगे। आपका तरफ से, पार्टी का तरफ से, साईं कोलीवाड़ा का तरफ से गौतमी पाटिल मैडम को मैं स्वागत सबका तरफ से स्वागत करता हूं। आप पूरा महाराष्ट्र में बहुत नामगिन आर्टिस्ट है। आपका कला, आपका मेहनत, सब मेहनत से आगे बढ़ता है। डेली कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, उसको मालूम है। मैं जाति बात नहीं करता हूं। वापस 10-15 मिनट के बाद 2 मिनट के लिए स्वागत के लिए आएगा। जनता आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए है, तो लगातार कार्यक्रम चलते रहेंगे। महिला मंडल पुरुष मंडळीला विनंती आहे। हा हा, माहिती माहिती, सगळे पाटलाचा बैलगाडा होणार, कचकच कांदा होणार, सगळे गाणे वाजणारे, फडके वाजणार आहे, सगळं गाणं महिला मंडळाचे पण गाणे वाजणार आहे। पण महिला मंडळाने ज्याला शिट्ट्या झाल्या पाहिजे, सगळ्यांच्या शिट्ट्या, कुणाकुणा शिट्ट्या वाजवत, शिट्ट्या कुणाकुणा वाजवत, जोरात वाजेल, जोरात, जो शिट्टी वाजवणार त्याला माझ्याकडून 50 पैसेचे चॉकलेट। सगळे कुणाकडे शिट्ट्या येतात, हात वर, हात वर, सगळ्यांचे हात वर। आणि मी तुम्हाला सांगे, हा दांड्या पण घेऊन आले महिला, क्या बात आहे। हा, मी तुम्हाला पहिलं सांगितलं होतं, कारण की जास्त वेळ वाया घालवायचा नाही, कारण की सबसे का दिल का होता मी पाठी येईल,
अर्धा तो स्टेज वर डांस करना है। वहा सर्व मना खूब खूब धन्यवाद। अपन जात आहो आप सगळे कलाकार येत आहे। काव्य पुणेकर, स्नेहल गुंजवर, साक्षी नगरकर, मोनिका पुणेकर आणि रवीना पुणेकर आणि सिने अभिनेत्री सबसे कठीण गौतमी पाटी। नाद करा पण आमच्या कुडे सगळे रेडी आहे मग यायचं का। कॅप्टन तमिल सेल्वन का पंडाल में जहां एक ओर माँ के दर्शन कर भक्त आशीर्वाद ले रहे थे तो दूसरी ओर लोग लाउडी डांसर गौतमी पाटिल के डांस के साथ थिरकते देखे जा सकते थे। इस अवसर पर भारी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। इस अवसर पर आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन ने कहा, जनता जो बोलती है उसको मुझे करना। गौतमी पाटिल सर्वांनी एन्जॉय केलं। सायन कोळीवाड्यात मी आज प्रथम पहिल्यांदाच आली आहे। खरंच खूप छान वाटलं। प्रेक्षक वर्गांचं प्रेम बघून भरभरून खूप संख्येने आलेत आणि महिला वर्ग हे भरभरून आलेत म्हणून त्यांचंही मनापासून आभार। आणि आमदार सेल्वनजी यांचं मी मनापासून आभार मानते। त्यांनी मला बोलवलं, जो मान सन्मान दिला त्यांचं मनापासून आभार। कसं वाटलं युवा वर पूर्ण एकदम जमजम करत नाचत होते तुमच्या डान्स मधून? खूप छान वाटलं। लहान पोरगी तिने माझ्यासोबत डान्स केला, छोट्या मुलीनी, आम्ही फुगडी पण खेळली सोबत म्हणून खूप छान वाटलं। आणि नवरात्र उत्सव आहे म्हणून हा महिलांचाच, मी म्हणते की महिलांचाच उत्सव असेल की सगळे नवरात्राचे उपवास धरतात। आणि महिला वर्गांसाठी हे खास करून त्यांचे दिवस आहेत की त्यांना एन्जॉयचा हा हे 9 दिवस त्यांचे असतात की ते दांडिया वगैरे खेळायला येतात म्हणून नवरात्रीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। आणि सेल्वनजी तुमचं मनापासून आभार। मी सर्वांना सांगते की आज त्यांचं नियोजन खरंच खूप छान होतं आणि माझ्यासाठीच नाही प्रेक्षक वर्ग त्यांच्यासाठीही होते आणि त्यांचं प्रेम आहे। तिसरींदा आता ते आमदार होणार तर मी सर्व प्रेक्षकांना सांगते की त्यांना त्यांना म्हणजे जसं त्यांचं तुमच्यावर प्रेम आहे तसंच त्यांना प्रेम द्या आणि पुढच्या इलेक्शनला त्यांना सपोर्ट करा। धन्यवाद। यहाँ पर जो है जो दांडिया रच इससे जाति लोग से अच्छा तरफ से जनता कोऑपरेट करता है। भगवान का सामने दर्शन करके ये अपना कलाचार है। ये इधर नहीं, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा दुनिया में चलता है। ये लोग ने कोई आज मेरे को विनंती किया है, गौतमी पाटिल साहब मैडम का सभा हो सकता है क्या? ठीक है, जनता क्या बोलता है वो सुनना है। मैं MLA वो करके दिखाना है, करके दिखा है। सब एंजॉय किया, आप भी एंजॉय किया, सब लोग एंजॉय किया। नहीं, पहले मैं हरियाणा जनता को धन्यवाद देता हूँ। आज सुबह से बहुत हरियाणा लीड हो कि पहले से अच्छा मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी का सरकार तीसरा बार सरकार बनना चाहता है। उनके लिए हरियाणा सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। सम्माननीय पंडित प्रधान साहब, सम्माननीय अमित भाई शाह और नड्डा जी, बाकी लोग कार्यकर्ता उधर का लीडर्स बहुत अच्छा मेहनत किया। इनका पंतप्रधान साहब का मेहनत का फल मिला।
ये महाराष्ट्र का जो है पूरा महाराष्ट्र में 2 लाख वोट डिफरेंस है खासदार का इलेक्शन में, पार्लियामेंट इलेक्शन में। वो 2 लाख बड़ा बात नहीं है। सम्मानीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, ये लोग का अच्छा योजना है, अच्छा सेवा है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब 2 नहीं तो 3 घंटा भी रेस्ट नहीं लेता है। पहले मुख्यमंत्री था मैं, 2 बार MLA 2014-2019 10 साल से ऐसा नेता को मैं देख रहा है। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में ऐसा नेता देवेंद्र फडणवीस साहब का शरीर का नेता पहले भी नहीं था, वापस आप आना भी मुश्किल है। इतना एक एक जनता का सेवा कैसा कर सकता है? सेवा का माध्यम से ये भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जिंदा रखा है, गठबंधन को भी जिंदा रखा है। आने वाला 2024 इलेक्शन में ये महायुति मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने वाला है, 100% है। केंद्रीय सरकार का काम है इतना, इसीलिए किसी माइकलाल का ताकत नहीं है। कश्मीर का विकास दिया अमित भाई शाह और पंत प्रधान साहब ने, ये जो 370 जो हटाया वो इतना इसी नहीं है। सरकार किसी भी बैठने दो, ये केंद्रीय सरकार का हाथ में है, तो सब कश्मीर का जनता खुशी है, खुशी रहने के लिए ये लोग साथ देंगे। धन्यवाद, भारत माता की जय, वंदे। बहरहाल अभी तक की खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या या घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे अपील, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।